दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन देखो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अलग हटकर एक संचालित योजना है जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी जिनमें से 18 लाख घर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में बन रहे हैं जबकि बाकी 2 लाख घरों का निर्माण शहरों के गरीब इलाकों में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 3 फेज में विभाजित किया है जिसके तहत पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण हुआ है। वहीं दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ जो मार्च 2019 में पूरा हो गया। इसमें सरकार ने 200 से ज़्यादा शहरों में मकान बनाने का कार्य किया है। वहीं तीसरा और अंतिम फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया गया है जो मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा। इसी दौरान बाकी बचे हुए लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस योजना की कुछ खास विशेषता है जिसके तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार प्रधानमंत्री आवास योजना की कुछ खास विशेषताएं। शहरी इलाके में सभी के लिए घर मिशन के तहत कार्यकारी एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन को 17 जून 2015 से प्रभावित कर दिया गया है। इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रस्तुत की जा रही है जिसके मुताबिक मध्य आय वर्ग MIG को घर बनाने या अधिग्रहण दोबारा खरीदने के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और कम आय वाले LIG को घर निर्माण या अधिग्रहण के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इंक्रीमेंटल हाउस के रूप में वर्तमान निवास स्थान में नए निर्माण और अतिरिक्त कमरे, रसोई घर, शौचालय आदि के लिए भी होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा। इस योजना की खास बात यह है कि ब्याज सब्सिडी का लाभ बकाया मूल राशि से पहले मिलेगा। ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता और राशि स्कीम के तहत विभिन्न कैटेगरी के आय मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। इस योजना के अंतर्गत होम लोन लेने पर ब्याज पर 2.67 लाख रुपए तक की बचत कर होंगी। कमाई करने वाले व्यक्ति चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो को एक अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जा सकता है। इसके तहत घर की गुणवत्ता और फ्लैट निर्माण राष्ट्रीय भवन संहिता BIS कोड और NDMS दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। बिल्डिंग डिजाइन के लिए अप्रूवल अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीमें महंगे रियल इस्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस स्कीम का लक्ष्य महात्मा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।